हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं फिर से GTA 5। जैसा कि सबको पता होगा पिछले एपिसोड में कि हम लोगों ने माइकल की यार तो नहीं बचा पाए थे, लेकिन जिम्मी को बचा लिया था और उसके बदले में माइकल ने फ्रैंकलिन को लंबर गई दी थी और बस इतना ही हुआ था। लेकिन इस एपिसोड में हम लोग जा रहे हैं चोरी करने लग्जरी कार, वो भी माफिया के घर से, बिग माफिया के हाउस से। बिग माफिया का मतलब समझते हो गया, जो अपने जीवन काल में या फिर बोले तो लाइफ टाइम में 190 या 200 लोग को उड़ा चुका हो, तो उसी को हम माफिया कहते हैं। तो उसी के यहाँ से हम लोग लग्जरी कार चलाएं, और लग्जरी कार मतलब यार लंबरगिनी, बुगाटी, रोल्स रॉयस। तो आज हम लोग वही चलाने वाले। तो फिलहाल यार मेरी तो कार यार खराब चुकी है, तो देख सकते हो बेनी को मैकेनिक लगाया हूँ। ये देखो सारा कब बना के देता है कार। तो छोड़ो, मैंने वैसे भी अपनी बुलेट पार्क की है और ये बुलेट काफ़ी से तेज चलती है इस कार से, फालतू में इस कार में कोई जाने की जरूरत नहीं है। तो फिर यार लेस्टर ने मुझे बुलाया है, क्योंकि कोई भी चोरी लेस्टर चूतिया के बिना हो ही नहीं सकती है। तो यहीं बुलाया लेस्टर ने माकल, बिना वे पॉइंट के मैं जा नहीं सकता हूँ, मैं भूल जाता बार बार। अरे भाई साहब इतनी तेज स्पीड है कि क्या ही कहें। तो यार अपने कानों में ईयरफोन या हेडफोन लगा लो, जिससे तुम लोग गेम को अच्छे से इंजॉय कर सको। तो यार गेम को इंजॉय करो और कानों में यार प्लीज़ ईयरफोन लगा लेना। साले कहाँ की गाड़ी रहा है, रुक तो बताता हूँ। गया, निकल यहाँ से साला। अच्छा अभी मरा नहीं, रुक बता रहा हूँ, इसको तो ढूंढ के मारूंगा, कब देखता हूँ कितना तेज भगाता है साला, मुझसे तेज कैसे भगाएगा। रुक, अबे साला तो कच्चे भी हाल हो गया यार, इसको मार दे। अरे यार तो पुलिस लग गई, सेट यार उसको मारना नहीं चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, पुलिस से तो बचने की बचपन से आदत है। ये भी निकाल लेता हूँ यहाँ से, कितना पकड़ेंगे सब। वन स्टार है ना, बहुत ही तो कम स्टार है, अभी निकल गया। अरे यार ये तो काफ़ी, ओहो अरे यार इतनी स्पीड है। तो यहाँ मुझे बुलाया था लेस्टर ने। अरे यार ये तो पुलिस पीछा नहीं छोड़ रही। अरे यार जल्दी जल्दी साले, ये सब पुलिस वाले बिना हरामी पीछे पड़ जाते हैं, इन सबको कुछ काम धंधा तो रहता नहीं है। अबे साले तू क्या मुझे मारेगा, हट हट चुकी है यहाँ से, नहीं रुकूंगा। अबे अबे यार अभी तो लेस्टर कहाँ गया, लेस्टर मुझे तब तक बात नहीं करेगा जब तक मैं इस पुलिस को हटा ना दूँ, मुझे लीव पुलिस करना ही पड़ेगा। रुको यार तेजिस कर देता हूँ, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है यार, ये तो स्टार बढ़ता जा रहा है। रुको पकड़ने का बहुत शौक है, बताता हूँ तुम लोग को रोलर कोस्टर राइड करा दूँ थोड़ा तो पुलिस वालों को। अरे अरे माइकल दादा, माइकल दादा, माइकल दादा, थोड़ा आराम से आराम से, इतना भी मत उड़ने लगो। चलो सब उतर गए, उन सबका चूतिया काट दिया मैंने। जाओ जाओ जाओ, उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ। अरे इधर ही आ रहे हैं क्या सब, उनको वेट करके देखता हूँ। इस साले को देखो, थोड़ा सा भी टाइम दूंगा नहीं कि तुरंत हेलमेट पहन ले सकता है। अबे थोड़ा रुका करो, हेलमेट के लिए मरा जाता है, सर ही फूट जाएगा इनका बहुत बड़ा। तो आई थिंक मेरे साथ चल दिए होंगे सब, चलो चलते हैं रेस्ट्रा के यहाँ। हो गया, हम लोग ने पुलिस को भगा दिया, तो वांटेड लेवल खत्म होता हुआ हमारा। अबे भाई साहब आराम से आराम से। तो हम लोग पहुँचते हैं जहाँ पर लेस्टर ने हमें बुलाया है, तो अपनी बाइक अच्छी जगह पार्क कर ली जाए, नहीं तो यहाँ पे काफ़ी चोरकट लोग घूमते हैं जो चोरी कर लेते हैं। तो यहाँ पे कहीं बाइक पार्क कर लूँ मैं, कहते यहीं पार्क कर लेता हूँ। भाई तू पहले हेलमेट निकाल साला, जब देखो हेलमेट पहन लेता है बेफालतू का। यहाँ पर पहुँचते हो जहाँ पे हम लोग लेस्टर ने बुलाया, लेकिन लेस्टर दिख नहीं रहा है यहाँ कहीं, तो देखें कहाँ बुलाया। इस गधे का भी काम ना कुछ ढंग का होता नहीं है, बस कहीं बुला देता है। ओ तो यहाँ पे है महाशय, लेस्टर महाशय। यार लेस्टर कहने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हें गाड़ी तो मिल जाएगी, लेकिन हम लोग को पहली बात तो एक शोरूम खोलना पड़ेगा। तो यार अभी लेस्टर मुझे शोरूम में कुछ दो शोरूम का देगा, जिससे हम लोग परचेज किया जाएगा, क्योंकि कार खरीद तो लेंगे बट हमें कार वो बेचनी भी है, क्योंकि उसका दो गुना दाम हमें मिलने वाला है। यार लेस्टर ने बता दिया कि हमें शोरूम कैसे ना कैसे खोलना पड़ेगा या फिर किसी से खरीदना पड़ेगा। तो इस हॉस्टल वाले को देखो बताने के बाद स्मोकिंग कर रहा, क्योंकि अब तो उसका काम खत्म, अब हमारा काम शुरू होता हुआ। तो हमें तो माइकल की सख्त जरूरत पड़ने वाली, क्योंकि अरे सॉरी माइकल कह रहा हूँ, फ्रैंकलिन की सख्त जरूरत पड़ने वाली, क्योंकि फ्रैंकलिन ही कार चोरी करेगा, क्योंकि फ्रैंकलिन कार चोरी करने में मास्टर है, और कार को डिलीवरी करने में शोरूम तक लाने में, मतलब कार चोरी हो जाएगी लेकिन कार को शोरूम तक लाने में ट्रेवर हमारी मदद करेगा। और बाकी जो गार्ड्स है उनसे लड़ने में तो हमारा माइकल तो काफ़ी तेज है, क्योंकि शूटिंग के मामले में माइकल से कोई आगे नहीं बढ़ सकता, इसमें तो है। चलो यार मेरी बाइक तो अच्छे से पार्क है, तो फटाफट माइकल और फ्रैंकलिन दोनों को फिर नहीं, माइकल फ्रैंकलिन बताओ आदत सी हो गई है, इस साला लत भी ना ख़राब होती है, माइकल माइकल को ज़्यादा ही हो गया है। फ्रैंकलिन और ट्रेवर यार आराम से
तो चलो यार फ्रैंकलिन और ट्रेवर को फटाफट बुलाया जाए, क्योंकि उन दोनों की सख्त जरूरत हमें पड़ने वाली है, सख्त कर सकते हैं उनकी जरूरत भी पड़ने वाली है। और इस साल लॉर्ड विक्रम अगर लिस्टर सिगरेट स्मोकिंग करता है बताने के बाद, इसका तो कुछ हार्म है नहीं, कुछ करना तो है नहीं साले को। उफ़ भाई साहब क्या स्पीड है इसकी तो अपना, अरे 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 आराम से। और ये सीधे हम लोग रोड पे आते हुए शॉर्टकट सीधे यार अपने घर पे बुलाऊंगा फ्रैंकलिन और ट्रेवर को। तो यार यार मैं कहाँ था, मैं रास्ता भूल जाता हूँ, देखो मार्क करना पड़ता है अपने घर का वे भी बताओ। तो यार अभी मुझे लेस्टर भेजेगा दो शोरूम जहाँ पर मैं जाऊँगा अभी परचेस करने, क्योंकि माइकल के पास अभी हंड्रेड मिलियन डॉलर है, तो मुझे काफ़ी मदद करेगा। देखता हूँ अगर, और वो भी मुझे सस्ते सस्ते शोरूम भेजेगा जो कि 30-40 मिलियन डॉलर में आ जाएँ। साथ ही साथ उसमें कार भी ऐसी कुछ कुछ रहेंगी और साथ ही साथ गार्ड्स तो रहेंगे, तो सब कुछ। मैंने कहा है कि वो देखो कहा है कि दो शोरूम जानता है, तो मुझे अभी मेल करेगा, तो मुझे वहाँ पर जाके भी परचेस करना पड़ेगा। और माफिया का हाउस का मैप लोकेशन भी मिलेगा कि माफिया का हाउस कहाँ पर, जहाँ पर उसकी सारी लग्जरी कारें पार्क होती हैं, तो हमें वहाँ पर चलना होगा। तो आ गया मेरा घर, तो फटाफट मैं फ्रैंकलिन और ट्रेवर को फोन करके अपने आप बुलाऊं और उन्हें अपने प्लानिंग के बारे में बताऊं। तो यार मैंने दोनों को फोन कर दिया है, फ्रैंकलिन और ट्रेवर, और दोनों जल्दी आते होंगे तो देखते हैं कितना जल्दी आते हैं। फोन तो कर दिया मैंने, अब देखते हैं कलुआ फ्रैंकलिन और ट्रेवर बेवड़ा कब आता है। फोन कर तो मैंने कर दिया, अब देखो कितने जल्दी आते हैं ये दोनों, कब से वेट करा रहे हैं सब साले। तेजी से उनको आ जाना चाहिए क्योंकि लेट नहीं करना है हम लोगों को, क्योंकि तुरंत कार चोरी करनी है, तो मतलब चोरी करनी है आज की आज ही चोरी होगी। और मुझे शोरूम तर भी जाना है क्योंकि डील करनी होगी कि कहाँ जहाँ चोरी करेंगे, तो फिलहाल मुझे शोरूम तर जाके रखना भी होगा, सब पता नहीं कहाँ रखे, तो कुछ देखूँ कहाँ है सब। इन सबको देखो, इन सबके पास इतना टाइम है कि आराम आराम से आ रहे हैं। अरे भाई साहब दोनों एक साथ आ रहे हैं, अरे लगता है गाड़ी खराब हो गई आज सबकी, देखो तो गाड़ी खराब हो गई थी, ये भी गाड़ी खराब हो गई, वो भी गाड़ी खराब हो गई, जल्दी आओ यार टाइम नहीं अपने पास। तो यार मैंने लोगों को समझा दिया कि कैसे और क्या करना है, तो मैंने ट्रेवर को बोल दिया कि ट्रेवर तुम ट्रक लेके आना जिसमें हम लोग कार लोड करेंगे, और फ्रैंकलिन मेरे साथ चलेगा कार चोरी करने में। तो फिलहाल अभी मैं फ्रैंकलिन को मना कर दिया, अभी फिलहाल मैं ट्रेवर और फ्रैंकलिन को भी जाना पड़ा क्योंकि मैं अभी मेरी कार शोरूम से डील होने वाली है, तो फिलहाल इन सबको मैं वापस भेज दे रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए। तो जाओ बोल, ठीक है तुम लोग जाओ अपना प्लान तैयार कर। यार मैंने इन लोग से बोल दिया, अब तो ये लोग अभी इसको तो ले ले, उसको छोड़ कहाँ जा रहा है, इसको देखो। वाह भाई चलो यार मेरी कार शोरूम से डील आने वाली है, तो लगता है इसी तरह जाएगा। फ्रैंकलिन बाइक चला गया, बेवफा निकला चूतिया, इसका गाड़ी चला गया। चलो तो हम लोग चले कार शोरूम के पास डील करने। अब पुलिस कैसे आ गई, लगता है फिर पंगा कर लिया इस पुलिस पागल कहाँ का। अभी मुझे आया है लिस्टर का मैसेज और मुझे उसने दो कार शोरूम और माफिया का लोकेशन दे दिया है, तो फिलहाल तुम्हें दिखा दूँ तो यहाँ पे वो बिग माफिया का घर है, और यहाँ पे तो यहाँ मुझे दो लोकेशन दिया है उसने, एक मेगा डीलर कार शोरूम और एक न्यू कार शोरूम। ठीक है तो फिलहाल यहाँ पे चलते क्योंकि ये मेरे काफ़ी नज़दीक है, तो चला जाए देखूँ कितने में डील होती है। वैसे 30-40 मिलियन डॉलर में देगा तो ले लूँगा, उससे ज़्यादा लेगा तो मैं तो नहीं पेड करने वाला, उसे उतने सस्ते में देगा तभी लूँगा, नहीं तो 80-90 मिलियन डॉलर बहुत ज़्यादा आपकी होती थी है, क्योंकि मुझे भी प्रॉफिट देखना होता है वहाँ पर, क्योंकि कार जितनी की हम लोग ले रहे हैं उसको चुराएंगे तो उसको दुगने दाम में भी बेचना है हमें। और जितने भी सारी कारें हैं यार, सारी कारें उसके सारे के सब कारें बहुत ही महंगी हैं, क्योंकि लेस्टर मुझे बता रहा था ना काफ़ी काफ़ी तो ओल्ड मॉडल की कारें हैं, फरारी की जैसे ओल्ड मॉडल कारें हैं। देखते हैं चल तो गए हैं, पहुँचने वाले हैं अभी, हटो 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 सालो हटो, तो बस करीब आ गए हैं, 200 मीटर और दूर है अभी, हटो इसको ओवरटेक लेता हूँ, उनको ओवरटेक और इसमें भी ओवरटेक। यार ओवरटेक लेने में लगता है कुछ ज़्यादा ही आगे आ गया, हाँ पीछे रहा, ओके तो इधर साइड रहा थी यही है, तो ये है कार शोरूम तो हम लोग यहाँ पे आते हुए, और इसका मालिक खड़ा है वहीं पे, चलो चला जाए। तो यार ये हम साफ मना कर रहा है कि $70 से नीचे होगा तो मैं नहीं पेड करने वाला, तो फिलहाल तो मैं भी तब इसको खरीद रहा हूँ। चलो तो यार ये जब नहीं देगा तो कोई बात नहीं, हम लोग दूसरे शोरूम से चला जाए, देखते हैं वो कितने में देता है। बैठ भाई जल्दी बैठ, ये तो मना कर दिया, अब देखते हैं ये बार अच्छा खासा दाम आ, तो इसकी भी शोरूम खरीद देते हैं, अभी नहीं कि अभी उतने मानता हूँ 100 मिलियन डॉलर, लेकिन उसको अच्छे तरीके से यूज़ करना ताकि उसका 2 गुना या 3 गुना हमें पैसा मिल जाए। तो चलो क्योंकि ये तो मना कर दिया, 70 मिलियन डॉलर काफ़ी ज़्यादा रकम होती है, हम तो बोले थे
$40-50 million की लाइक था वो शोरूम, लेकिन 70-30 million dollars ना इतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो यार चलो, अरे हटो जल्दी यार, मुझे ज़्यादा नहीं जा इतना। इस रोड पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है, लॉस सैंटोस की इस रोड पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक लगता है। भले स्पीड तुम ज़्यादा छाप सकते हो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इतनी इंसिडेंट ट्रैफिक नहीं होता है, क्योंकि अभी दिन का टाइम है ना, तो काफ़ी ट्रैफिक लगे रहते हैं, तो जाने में काफ़ी दिक्कत होता है। हटो यार, मुझे जाने जल्दी, मुझे लगी है हट नहीं रेंज साले ही सब भी। हटो हटो जल्दी हटो पे भाई, तू हट यार। तो यार कहाँ पे है वो शोरूम? रेस्टोरेंट जितना बता रहा था बीच साइड वो शोरूम खुला है यार, लेकिन जितना मुझे पता है बीच साइड के शोरूम बहुत काफ़ी महंगे होते हैं, क्योंकि समुद्र किनारे। हाँ तो ये रहा शोरूम, देख रहे हो? तो आ गए हम लोग अपने शोरूम पर। हटो 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 हटो, अपना शोरूम मतलब डील किया जाएगा, देखा जाएगा। तो यार अच्छी जगह गाड़ी पार्क कर ली जाए, पता नहीं ये भी हमें ज़्यादा दाम बता के ना दे अपने शोरूम, तो फिर तो घटा है अपना। ओके चलो चला जाए इसके पास, देखते हैं ये क्या करता है। तो यार इसका शोरूम तो काफ़ी उससे बड़ा है, देखते हैं अभी कितना हो रही है। ये तो काफ़ी अच्छी अच्छी कारें हैं। तो ये रहा उसका मैनेजर। ओके तो लोग काफी लोग बैठे हैं यहाँ, ये भी नहीं मान रहा, ये इसको भी चाहिए $80 million उसी की तरह करा कि इतने सस्ते में इसको भी नहीं हो पाएगा। तो यार देखो इसका काफी शोरूम बड़ी है, और मुझे लग रहा है कि ये काफी प्रॉफिट दिला सकती है उसकी तरह नहीं, तो उसके शोरूम का लोकेशन अलग था, लेकिन इसकी शोरूम काफी बड़ी है, तो ये सोच सकते हैं, क्योंकि यार ट्राई तो करना पड़ेगा। तो ठीक है यार, इसके साथ ही डील कर लेते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से बोल रहा है इसके बाद मानना पड़ेगा हमें। तो चलो यार इसको $80 million हम लोग देते हैं, और ये शुरू हम लोग खरीद लिया तो अब इस, अरे भाई निकल यार, खरीद लिया तो इसे आ, ओ तो इसको गेट से बाहर ही निकलने नहीं आ रहा है, कैसे गेट से बाहर निकल जाता है? अब मैं मदद कर देता हूँ, निकल 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 यहाँ से, अब ये मेरा शोरूम है, निकल भाई निकल। तो अब ये पूरा शोरूम हमारा होता तो अब बस माफिया के घर जाके लूटना है, अब कार चोरी करके सारी यहाँ पे लाते हैं। तो अभी ड्राइवर को फ़ोन करते हैं और फटाफट ट्रक लेके अपनी आए, और फाइनली को भी फ़ोन करते हैं, रात हो गई आएंगे कि नहीं सब, बाय निकल जल्दी निकल। अरे ये निकल नहीं तो शूट कर दूंगा, निकल भोसड़ी के यहाँ से। तो चलो यार फटाफट फ्रैंकली और कलुआ फ्रैंकली और बेड़ा ट्रेवर, यहाँ पर ट्रेवर आ गया है यहाँ पे अपना कार कैरियर लेके, जिसमें हम लोग कार को लोड करेंगे। तो ये तो आ गया, लेकिन वो कलुआ भोसड़ी का फ्रैंकलिन वा नहीं आया, साला रात तक इंतजार किए हैं, अब जाके आ रहा है कलुआ भोसड़ी का, आ जल्दी यहाँ पे। अबे कहाँ जा रहा है? लो तो आ गया यहाँ पे कलुआ भोसड़ी वाला फ्रैंकलिन वा, अबे घुमा ले माधर चुदी यहीं पे। तो चलो यार फ्रैंकलिन भी आ गया है, ट्रेवर भी आ गया, तो फिलहाल मैंने अभी ट्रेवर को रोका है, ट्रेवर को हम लोग कॉल करके बुलाया जाएगा, तो फिलहाल भी ट्रेवर यहीं पे रहेगा, तो फ्रैंकलिन मेरे साथ चलेगा कार चोरी में। तो फिलहाल हम लोग कार के अंदर एंटर करते हैं, और माफिया के घर पे लोकेशन मार्क कर लिया जाए, तो यहाँ पे उस माफिया का घर है, तो यहाँ पे हम लोग लोकेशन एंटर कर लिया। तो जल्दी बैठ फ्रैंकलिन, टाइम नहीं हम लोग के पास। तो अब यहाँ पे बैठ गए हम लोग, अबे अबे चलो नई कार आ रही है, आ रही है टूट गई तो कोई बात नहीं, वो ओह तो चलो डिस्ट्रैक्शन गलत बात है के। तो माफिया घर लोकेशन है, माफिया घर जहाँ पे वो माउंटेन साइड पे है, क्योंकि माउंटेन्स उसका घर है, और काफ़ी सिक्योरिटी गार्ड्स होगी। तो हम लोग तो फिलहाल अभी तो नहीं, चोरी से स्नैपिंग पहले किया जाएगा, उसके बाद जब आधे ज़्यादा गार्ड्स मार लिया जाएगा तब उसके घर में एंट्री किया जाएगा। नहीं तो कहाँ से अटैक पड़ेगी, कहाँ से गोली पड़ेगी, कहाँ पे से गोली पड़ने वाली है, मुझे गांड पे पता भी नहीं चलेगा। तो गांड पे गोली खाने से बेटर है कि पहले स्नैपिंग करके उन लोग की गांड पे गोली मारा जाए, तो ज़्यादा बेटर होगा। तो यार हम लोग, अबे साले माधर चोर ढंग से गाड़ी चला भोसड़ी के, इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं कि तो 500 meters और दूर है, देखते हैं माफिया कितना दूर है। तो वो रहा उसका घर, दिख रहा होगा कहा था माउंटेन पे भोसड़ी वाले का घर, हम माउंटेन पे है भी। अरे नहीं इसकी गाड़ बचानी है मेरे को। ओके तो आई थिंक यही रोड जाती है माफिया के घर ना, हाँ यही जाता है, ये पूरा रोड ही उसका है, प्रॉपर्टी पूरी। ओके तो ये देखो यार, वो एक मिनट, ये माफिया का है, ऊपर माफिया घर गया है, और यहाँ पे कुछ हमको पता है प्रेस या मीडिया वाले कुछ आए हैं, कोई जर्नलिस्ट होगा। तो फिलहाल अभी तो हम लोग जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे दो बॉडीगार्ड खड़े हैं, और ऊपर भी आई थिंक बहुत बॉडीगार्ड खड़े होंगे जो हमारी गाड़ फाड़ सकते हैं। तो अभी फिलहाल तो नहीं, तो हम लोग यहाँ से ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, नहीं तो हम लोग की गाड़ फाड़ कर दी जाएगी। तो गाड़ फाड़ने से अच्छी बात है कि
चोरी छुपे मारा जाए, देखता हूँ कहीं से वे जहाँ से हम लोग हिट बैक कर सकते हैं। तो स्नैपिंग करनी है तो बेटर होगा कि हम लोग माउंटेन पे गाड़ी चला के पहले स्नैपिंग करें, उसके आ जाए सिक्योरिटी गार्ड को हम लोग क्लियर कर दिया जाए। तो यार हम लोग यहाँ से स्नैपिंग करने वाले हैं, तो क्लाउड भी अब स्काई हो गया है, क्लियर है, तो अब यहाँ से हम लोग इजिली स्नैप कर सकते हैं। तो यहाँ से अब धीरे धीरे इसके बॉडी गार्ड को हेड शॉट मारते हैं। इस जर्नलिस्ट को नहीं मारा जाएगा, बेचारा फोटो ले रहा है, तो इसको छोड़ो। ये गया, ये भी गया, ये भी गया, वो हो तो देख रहे सब मार। ये जर्नलिस्ट तो भाग गया यार, देखते हैं इधर कोई है। ओके, ओ तो यहाँ पे दो हैं, जल्दी जल्दी रिलोड कर, जल्दी साला अबे गोली लग रही है। ओ नो फ्रैंकलिन, जल्दी गोली निकाल, साले सब यहीं पे आ गए। मारी ऐसी की तैसी, और भैया तो पूरे के पूरे आ गए यहीं पे मेरे सुनने। ओके बताता हूँ, फ्रैंकलिन इंजर्ड हो गया यार, फ्रैंकलिन इंजर्ड हो गया, वो लड़ नहीं पा रहा है। इसकी ऐसी की तैसी साले गांड मार दूंगा तुम लोग को पूरी, रुक तो। अबे ऐसे हालात में स्नाइपिंग करेगा, अबे निकाल यार जल्दी, सालो देख इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख, निकल यहाँ से सारे, कहाँ का मुझे मारेगा। ये कलवा फ्रैंकलिन जग गया है, इंजर्ड हो गया था, साले सब घेर के मुझे मार रहे थे। ये कलवा फ्रैंकलिन भी ना काम का है नहीं, अब उठेगा ही जब साले सब मार दिए हमको। बहुत गोली पड़ी यार, सब सारे पूरा बाहर आके मुझे मारना स्टार्ट कर दिया है। अब देखते हैं अंदर कितने हैं, मुझे तो लगता है सारे बॉडी गार्ड मुझे मारने आ गए थे, मुझे नहीं लगता कि कोई बॉडी गार्ड अंदर बचा होगा। जल्दी यार साले कलवा कार चोरी करनी है, अबे तेरी तो बचे थे सर, मैं भी यहाँ से खत्म हो गया। अबे तेरी गया, ये भी अबे जिंदा है, गया साला गाल फाड़ कर थी पूरा सब साले। उधर फायर उड़ी हुए पे फ्रैंकलिन वा कलवा, कलवा फ्रैंकलिन क्या कर रहा है, मार मार वाह मार के रुक जा रहा है। आ जल्दी इधर आ, इधर आ, ये गया। अभी भी थे बॉडीगार्ड, मतलब कहाँ है कलुआ यार, जल्दी आ। अबे कलुआ फ्रैंकलिन वा, ये अपना ही अलग ही धुंधे, कहाँ भाग गया। अबे कलु फ्रैंकलिन छोड़ो, उधर क्या लड़ते हैं हम लोग, इधर से गांड मारते हैं उनकी की कहाँ। ओके ओके आराम से आराम से आराम से, यहीं पे यहीं पे यहीं पे, इसकी तो हेड शॉट यहाँ ऊपर से खत्म। अच्छा भी नीचे है सर, ये गया, वो सही रही लग्जरी कार है। अब यहाँ पे देखते हैं कैसे काम करना है, तो फायर हो रही है यार यहाँ पे। अबे गलती कर दिया यहाँ से कूद के, पूरी तरीके से बैडली इंजर्ड हो गए हैं। जल्दी बॉल निकाल, गोली निकाल, गोली निकाल, गोली निकाल, गोली फिर। ओ तो कलवा यहाँ पे है, कलवा फ्रैंकलिन भी ना, देखते हैं इधर कोई कार है, इधर कोई बॉडीगार्ड नहीं है ना, मुझे लगता है इधर कोई बॉडीगार्ड होगा। ओके तो ये सही लग्जरी कारें हैं, इसको तो आराम से चोरी कर लेंगे। ओह नो, अबे माफिया भाग गया यार इसमें से, इसमें माफिया था, सेट माफिया भाग गया यार, उस कार में माफिया था यार। इधर लग्जरी कार देखने में भाग गया, कितने यहाँ बॉडीगार्ड थे, इसे कभी पता नहीं है कि अंदर क्या हुआ है। आ इधर दिखा, इधर दिखा, इधर का, ये भी गया।
तेरी ऐसी की तैसी, निकल यहाँ से। तो यहाँ सारे बॉडीगार्ड मरते हुए, वो माफिया भाग गया, बहुत गड़बड़ी हो गई। लग्जरी कार देखने में भुला गया, वो सारा चूतिया बना के उनको चला गया। छोड़ो यार ट्रेवल फोन करते हैं फटाफट, नहीं तो देख लिया भाई कितने बॉडीगार्ड्स के पास है, पूरे धड़ल्ले सारे बॉडीगार्ड हमारे पास आ गए थे और सभी अटक करने गए थे यार। फटाफट उसको बुलाते हैं, कार लोड करते हैं, हम चलते हैं यहाँ पे, चलते बनते हैं। आ गया है तो हमें अब एक एक करके कार लेके जानी पड़ेगी। चल फ्रैंकलिन फटाफट एक एक कार लेके चला जाए और उसको उसके अंदर लोड किया जाए। फ्रैंकलिन हट जा, हट जा, हट जा, हट जा, हट जा, दूसरी कार लेके आओ। तो मैं फटाफट एक कार डालता हूँ, तो वहाँ पर ट्रेवर लाया है, लोड करके रखा है। ओके, तो वहाँ पर ट्रेवर ला दिया है और मुझे अब इस पर लोड करनी पड़ेगी धीरे धीरे कार करके। अरे यार पता कार भी नहीं चल पा रही है आराम से, वो महंगी महंगी कार है। और ये बच गई यार, इस पर लोड करना भी कितना डिफिकल्ट होता है। रुको रुको, आराम से, बिल्कुल आराम से, आराम से, आराम से। टीआर अटैच होती हुई इस कार से, तो हम लोग दूसरी कार लेके आते हैं और उसको अटैच करते हैं इसके साथ। फ्रैंकलिन यहीं पे खा रहेगा, वो कह रहा है कि मैं देखता हूँ कोई बॉडी गार्ड आना जाए। तो भाई तो देख, अब मैं करके गाड़ी लेके जाता हूँ और लोड करता हूँ, बस हम खड़ा होते देखते रहना कोई कार को डैमेज आ दे। अरे साइड तो हट जा, इतने डैमेज देना है, कर लो फ्रैंकलिन। ओके तो लंबोर्गिनी तो हो गई है, अभी फोर्ड की मस्टैंग ओल्ड मॉडल की, इसको भी करते हैं। माफिया तो बच के भाग गया, चढ़ पाएगी कि नहीं चढ़ पाएगी यार ये इस कैरियर पे, देखते हैं। चढ़ जानी चाहिए मेरे हिसाब से, और यार ठोक दी मेरी, अटैच हो गई है इस कार के साथ। और हम लोग तीसरी कार लेके आते हैं फटाफट, और इस मर्सिडीज को लेते हैं पहले। ओह ये तो पूरी तरह से फंस गई यहाँ पे अटैक के टाइम पे। एक मिनट, ये रोज रोज को हटाने की कोशिश करते हैं, ये तो फंस गई है। इस रोज रोज को हटा लेंगे तो आराम से ये कार मर्सिडीज भी निकाली जा सकती है। तो इस रोज रोज को जाके हम लोग कर देते हैं। अरे यार शीशा फूट गया, चलो कोई नहीं, रोज रोज की पारी है, इसको लेके चलते हैं। काफ़ी महंगी महंगी कार रखा था ये बिग माफिया, लेकिन बिग माफिया बस के भाग गया और लग्जरी कार देखने में ध्यान नहीं दिए कि बिग माफिया उधर से उतर के चला गया। पता नहीं कब उतरा, कब भागा, बहुत स्पीड में भागा। लेकिन अब हम लोग कहीं नहीं छोड़ेगा, लेकिन हम लोग जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकले। उसकी सिक्योरिटी गार्ड हमने देख लिया कितनी टाइट है, पूरा सवा के रोड में मारना स्टार्ट कर दिया है वो। तो उसको और थोड़ा स्पीड चाहिए, और स्पीड लाते हैं। चढ़ पाएगी कि नहीं चढ़ पाएगी ये कार, नहीं चढ़ पाएगी। इसको हम लोग को इसी तरह लेके जाना पड़ेगा ड्राइव करके। हमें दूसरी कार देखते हैं, इस कार को देखते हैं, रोज सोज तो नहीं हो पाई यार, वो कार थोड़ा टक गई। इस कार को देखते हैं, चल जल्दी यार, इसकी कार तो पूरी पलटी गई है। अरे खड़ा कर, बस गार्डनिंग करने वहाँ पर, देखता कोई आया ना, पुलिस वुलिस भी। हम लोग कार लोड कर लें फटाफट, इस रोज सोज को मैं चला के चला जाऊँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर ये लोड भी नहीं पा रही है, लेकिन ये शायद आई थिंक लोड हो जानी चाहिए क्योंकि इसकी विड्थ कम है उसके कंपैरिजन में। अरे यार मैं सिर्फ चल ही नहीं पा रहा है, साला दिन ही आज का खराब है। बड़े मुश्किल सी वाला होता हुआ, अब इसको रेंज, ये जो लोअर रेंज है हमको ऊपर करना पड़ेगा इसको। यार ये ऊपर हो गया है तो अब हमें इसके नीचे कार रखनी पड़ेगी, तो अब बाकी कार इसके नीचे हम लोग रखा जाएगा। बची ये बेंटली की दोनों कारें, आई होप ये आ जाए। ओके बिल्कुल आराम से, आराम से, आराम से। देखा जाए अब ये आ जाए कैसे भी करके। ओके तो इसको आ जाना जरूरी है, ये भी नहीं आएगी क्या यार, रोज रोज की तरह। चलो ये तो आ गई, तो यार ये भी हो गई लोड। अब हम लोग वो कार लेके आते हैं, बेंटली की एसयूवी कार। तो ये बेंटली की एसयूवी कार, इसको भी लिया जाए। माफिया के पास कुछ भी बताया, अभी भी उस फाइट हमको याद है, क्या गजब की फाइट हुई थी। हट यार, ये तो ठोक दूंगा सच में, समझे यार, हट साला कुत्ता, कहाँ का लड़वा दिया गाड़ी। तो ये हो गई है, तो इससे हम लोग लेके चला जाए। ट्रेवर और फ्रैंकलिन को ले लूँगा इसी में। ओके
तो यार रैंप बंद होना स्टार्ट हो गया है, तो अब ये कार पूरी तरह से लोड होने वाली है, तो मुझे भी यहाँ से अब रोल्स रॉयस तैयार रहना पड़ेगा, तो यहाँ से मैं भी रोल्स रॉयस अपनी रेडी कर लूँ। तो अब भाई है मुझे ट्रक लेने जाने की, और ये ट्रेवर लेके जाएगा रोल्स रॉयस, कोई बात नहीं, ट्रेवर मेरे पीछे पीछे आएगा, मैं ट्रक लेके जाता हूँ अपने। ठीक है चल फ्रैंकलिन खड़ा। तो यार अपनी सारी कारें शोरूम में आ गई है, तो अब कोई दिक्कत की बात है नहीं, तो फिलहाल अभी ये सारी कारें यहाँ बाहर हैं, तो अंदर बाद में रखा जाएगी, तो फिलहाल अभी यहीं रहने देते हैं, कार रखा जाएगी कार दिन में। तो अभी फिलहाल मैं ये फोर्ड मस्टैंग अपने घर ले जा रही हूँ, काफ़ी ओल्ड मॉडल है, काफ़ी दिखने में कूल लग रही मुझे, तो मैं तो उसको लेके जा रहा हूँ से अपने सेफ हाउस सर माइकल के हाउस। छोड़ जाए थे वे पॉइंट मार्क ले जाए माइकल के हाउस का, और इसे यहाँ पे लेके चला जाए। वैसे काफ़ी स्पीड तेज है, वैसे ट्रक से लोड करने में पता तो चला नहीं है, लेकिन जितना लग रहा है कि फोर्ड की मस्टैंग की कार हमेशा बढ़िया होती है। देखते हैं ओल्ड मॉडल की कार, क्योंकि 1970 के मॉडल की है, फोर्ड मस्टैंग का है, 1970 के टाइम का मॉडल है, तो देखते हैं कितनी बढ़िया इसकी कार की स्पीड होती है। वैसे बाय द वे जितनी भी है सही है, क्योंकि ओल्ड टाइम के हिसाब से कार की स्पीड इसमें काफ़ी अच्छी है, तो 100 वो देखते हैं 150 क्रॉस कर पाती है कि नहीं, आई थिंक 150 आराम से इजली क्रॉस कर जाएगी। ओके तो 170 तक मुझे लगता है 170 मैक्स होगा, उससे ज़्यादा नहीं जा पाएगी कार, 170 मैक्स होगा, उससे ज़्यादा जा ही नहीं सकती कार, मुझे इतना पता है 170 मैक्स होना चाहिए इस कार का, 170 मैक्स होगा, क्योंकि 150 तक जा रही है, 160 के बाद धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही है। घर आते हुए यहाँ पे उस सेट, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, उस सेट यहाँ पे ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब कौन है, लगता है इस माफिया नहीं भेजा होगा। ओ सेट ये माफिया का लड़का होगा, उसको तो पकड़ता हूँ, उसको तो मैं मारूंगा नहीं, समर गया ना, बता रहा हूँ तेरे को। तो यहाँ पे ये हैंड्स अप कर लिया है, चलने से बैठ, नीडोंगा यार, इस माफिया को बैठे को मैंने पकड़ लिया है, रस्सी से बांध दिया, तो कहीं भाग नहीं सकता ये, तो बहुत साला ज्यादा गोली चला रहा था, चला भोसड़ी के, तभी कुछ कर भी हमारा नहीं पाएगा। तो अब इसकी इंट्रोगेशन हम करेंगे, लेकिन वो इंट्रोगेशन अब नेक्स्ट एपिसोड में किया जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतने, अगर वीडियो पसंद आए तो गाइस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक इस भोसड़ी वाले की मैं हालत खराब कर दूँ यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।